नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम। एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर। इंदौर नगर निगम ने बारिश से पहले 25 अधिक तनाव जर्जर भवनों को जमींदोज करना चिन्हित किया है, लेकिन निगम अब तक सिर्फ 10 मकानों को ही जमींदोज कर पाया है। दरअसल इंदौर में निगम ने कुल 125 खतरनाक मकानों की सूची बारिश से पहले तैयार की थी, लेकिन कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते निगम इन मकानों पर कार्रवाई नहीं कर पाया। अब चूंकि लॉकडाउन खुल चुका है और निगम कार्रवाई कर रहा है, तो सबसे पहले 25 अति खतरनाक मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज निगम के अमले ने छावनी क्षेत्र के उठागंज इलाके में एक अति खतरनाक मकान को जमींदोज किया। गौरतलब है कि बारिश के दौरान जर्जर भवनों के गिरने के कारण जनहानि का भी अंदेशा रहता है। ऐसे में निगम अपनी कार्रवाई को गति देकर इस अंदेशे को कम करने की कवायद कर रहा है। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। सिलवानी, रायसेन पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला के अथक प्रयासों से सिलवानी को मिली नए थाने की सौगात। लगभग 1 करोड़ की लागत से हो रहा है नए थाने भवन का सिलवानी में निर्माण। सिलवानी, रायसेन पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला के अथक प्रयासों से विधानसभा मुख्यालय सिलवानी के लिए नवीन थाना भवन की सौगात मिली है। करीब 1 करोड़ की राशि से सर्व सुविधा युक्त 2 मंजिला थाना भवन का निर्माण कार्य कॉन्ट्रेक्टर आर के रघुवंशी द्वारा कराया जा रहा है। करीब 5000 स्क्वायर फीट में निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी तक करीब 40% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निर्माण एजेंसी का कहना है कि अधिकतम 90 दिन में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य करने में सुविधा होगी। इस भवन में स्वागत कक्ष, बैठक व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। नवीन थाना भवन का निर्माण होने पर लोगों ने खुशी जाहिर। भवन निर्माण कॉन्ट्रेक्टर आर के रघुवंशी ने कहा, लगभग 3 महीने के अंदर हो जाएगा नए भवन का निर्माण। सिलवानी पुलिस विभाग में खुशी की लहर। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। भाई, व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों सप्लाई करने वाले दलाल एक युवती व एक अन्य युवक को इंदौर सराफा पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद देह व्यापार में लिप्त के मामले में गिरफ्तार किया है। इंदौर सराफा पुलिस ने दलाल गोवर्धन नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी शिकायत मिली थी कि मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए यह युवतियां कस्टमरों को सप्लाई करता और देह व्यापार का लंबे समय से धंधा संचालित कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपने ही कर्मचारी को ग्राहक बनाकर भेजा और उसके बाद युवती दलाल व एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। काफी लंबे समय से यहाँ देह व्यापार मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए संचालित हो रहा था। वही कस्टमरों को मोबाइल व्हाट्सएप पर पहले यूट्यूब का फोटो भेजे जाते थे, फिर उनकी रकम तय की जाती थी। जहाँ शिकायत मिलने के बाद सराफा पुलिस ने यूटी एक दलाल व एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। नॉर्थ एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शेख। नगरी निकाय चुनाव व उपचुनाव के पहले बीजेपी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह से की। नगर निगम व विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के पूर्व भाजपा ने इंदौर शहर में पूर्व बनी वोटर लिस्ट को लेकर धांधली की बात कही है। भाजपा विधायक, शहर अध्यक्ष व अन्य नेताओं ने कांग्रेस पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर सोमवार को भाजपा विधायक मालिनी गोल्ड, महेंद्र धाड़िया, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित कई नेताओं ने कलेक्टर मनीष सिंह से मिलकर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह को शिकायत की। आगामी समय में निगम चुनाव होने को है, जिससे पूर्व कांग्रेस ने नगर में बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। उन्होंने सहूलियत के अनुसार लिस्ट के नाम इधर उधर किए हैं। वहीं उन्होंने तत्कालीन अधिकारियों का भी इसमें सम्मिलित होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के विधायक और नेताओं द्वारा कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की गई, उसके अंदर मतदाता सूची के अंदर गड़बड़ी हटाने की मांग की गई। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जिले के मालखरोदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमगहन में विकास कार्य के नाम पर 36 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। मालखरोदा के ग्राम पंचायत जमगहन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर शासन को लाखों का चूना लगा दिया है। गांव के विकास कार्य और मनरेगा के तहत आने वाली राशि करीब 36 लाख रुपए को गबन कर दिया है। मामले की शिकायत जब क्षेत्र के कुछ जागरूक लोगों ने जिला पंचायत सीओ को की, तब मामले की जाँच के लिए जिला पंचायत सीओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित की और मामले की जाँच शुरू की। जाँच में शिकायत सही पाई गई और जनपद सीओ, सरपंच, सचिव सहित कई लोगों के नाम
इस भवन में सामने आया। वहीं मामले की विभागीय जांच के बाद तत्कालीन सीओ, सरपंच, सचिव सहित आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की संलिप्तता सामने आई है, मगर चार साल बाद भी शासन को चूना लगाने वाले दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर अब जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। सड़कों पर दौड़ रही बसें, लेकिन संचालकों को तेल का खर्चा निकालना भी मुश्किल। काफी अटकलों के बाद छत्तीसगढ़ में रविवार से यात्री बस सेवाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन करीब 28% बस संचालकों को सवारी ही नहीं मिल पाई। यात्रियों की संख्या में कमी होने की वजह से बस संचालकों के डीजल का खर्चा निकलना भी मुश्किल हो गया है। कई स्थानों में केवल ड्राइवर और कंडक्टरों ने ही 110 किलोमीटर तक का सफर अकेले ही तय कर लिया है। रायपुर में तकरीबन 100 बसें सड़कों पर दौड़ रही है और इस पर 10 बसों को ही यात्री जो है वो मिल पाए हैं। बस संचालकों ने उम्मीद जताई है कि यात्रियों की संख्या में आने वाले दिनों में हो सकता है इजाफा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। जल्दी पहले युवक ने अपनी पत्नी को मारा, फिर जाके रेलवे ट्रैक में खुद जाके आत्महत्या कर ली। वायु और एक विवाद के चलते संजय साहू नमक पहले अपनी पत्नी की हत्या की, बीच बचाव करने पहुंची भाभी को भतीजी के ऊपर भी प्राणघात हमला किया। फिर इसके बाद मृतक युवक संजय साहू ने ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। जब इस घटनाक्रम की जानकारी बाड़वासियों को अल सुबह लगी तो सभी लोग सकते में आ गए। ये घटना देर रात 1:02 के बीच में घटित हुई। मृतक की भाभी भतीजी मरणासन पर हैं। मृतक पेशे से सेल्समैन का काम करता था। इस पूरी घटनाक्रम में जहां सभी लोग अचंभित हुए हैं, तो पुलिस इस पूरी घटनाक्रम की हर पहलू की जांच में जुटी है और पूरी घटनाक्रम की बारीकी से जांच में लगी हुई है। रात के 1:30 के बीच हृदय बाजार घटना घटी, जो अपनी पत्नी को मारने के बाद इसके बीच बचाव में आई भाभी और भतीजे को भी धारा हथियार से घायल किया। अब पुलिस इस पूरी मामले में जांच में जुटी है। सागर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकुल शुक्ला। क्रिकेट मैच को लेकर कोलांचल का पहचाना जाने वाला बड़कुई स्थित नेहरू स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसकी वर्तमान में देखरेख करने वाला कोई नहीं। जेकोली द्वारा अपने खदान कर्मचारियों को खेलने और मनोरंजन के लिए क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित करने की मंशा से निर्मित किया गया नेहरू स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पूर्व में जब इस स्टेडियम में क्रिकेट के प्रतियोगिताएं होती थी तो यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर टेस्ट खिलाड़ी आते। इस स्टेडियम में आने वाले टेस्ट खिलाड़ियों में मदनलाल, ईशांत शर्मा, अजय जडेजा, मनिंदर सिंह, चेतन चौहान, विकेट कीपर सैयद किरमानी सहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी किशन स्वरूप इस मैदान पर आ चुके हैं। गुजरते कोलांचल क्षेत्र की लगातार कोयला खदानें बंद होने एवं खदाने घाटे में चलने से स्टेडियम में वेकोली प्रबंधन ने रखरखाव पर ध्यान देना बंद कर दिया। वर्तमान में स्टेडियम खिलाड़ियों की जगह आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना है। बैठक व्यवस्था में लगे लोहे के बेंच, स्ट्रक्चर और द्वार पर लगा लोहे का गेट चोरी हो चुके हैं। बाउंड्री बार टूट रही है एवं दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई व्यवस्था जगह जगह से उखड़ रही है। अब रात के अंधेरे में स्टेडियम शराबियों का अड्डा बन चुका है। आयोजित प्रतियोगिता में मुख्य अतिथियों के रूप में शामिल हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की यादें स्थानीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाती है। इसी उद्देश्य को लेकर स्थानीय खिलाड़ी यहाँ पर सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं कि कभी हम भी भारतीय टीम का हिस्सा बन सकेंगे, लेकिन बदहाल होते इस स्टेडियम को देखरेख करने वाला कोई नहीं। पर आज से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अनिल लहरी। आज श्रावण मास का पहला सोमवार, शिवालयों में लगा शिव भक्तों का तांता। के लिए सावन का महीना शुरू हो गया है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार सावन का महीना 6 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। शिव के प्रिय महीने में आज सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने कर रहे हैं शिव की आराधना। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। शिक्षा विभाग में पदस्थ बीआरसी शैलेंद्र जाधव ने कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन व शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की उड़ाई भेजिया। बड़वानी, शिक्षकों के प्रशिक्षण दिए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। जवाबदार जवाब देने के बजाय इधर उधर ताकते नजर आए। मीडिया से बात करना तो दूर, कैमरा चालू होते ही कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए जिम्मेदार अधिकारी।
ग्राम कल्याणपुरा में नर्मदा पट्टी के शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट ऐप की जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए शासकीय स्कूल में बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक में बढ़ते कोरोना केस के बीच भी भारी लापरवाही देखने को मिली। इस दौरान न किसी प्रकार की स्कैनिंग की व्यवस्था की गई थी और न ही ऐसे कोई इंतजाम किए गए थे जिससे लगे कि शिक्षा विभाग के लोग कोरोना को लेकर गंभीर है। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान भी किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस देखने को नहीं मिली। छोटी बेंच पर दो शिक्षक बैठे नजर आए, वह भी एक दूसरे से सटे हुए। उक्त मामले को लेकर जब हमने बीआरसी शैलेंद्र यादव से चर्चा की तो वह हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। वह अपनी कुर्सी छोड़ रफ चक्कर होते नजर आए। वहीं जब उच्च अधिकारियों से भी हमने इस संबंध में बात करना चाहिए तो उन्होंने चुप्पी साधी। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। बीजेपी ने आज वर्चुअल रैली के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। कोरोना काल में बीजेपी टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठा रही है। आने वाले 3 दिनों में बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए 5 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और नागरिकों से संवाद करेगी। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उपचुनाव होना है। इनमें मुंगावली, बमोरी, अशोकनगर, करेरा और सावेर शामिल हैं। आज वर्चुअल रैली को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि ये चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा। बीजेपी की वर्चुअल रैली के जवाब में कांग्रेस का कहना है कि वो वर्चुअल नहीं एक्चुअल रैली में विश्वास रखती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी, उपचुनाव जीतने की तैयारी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही दोनों दल सक्रिय हो रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व में अब बैठकों का दौर जारी हो गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित दिग्विजय सिंह अब बराबर प्रत्याशी को ढूंढने में लगे हैं और जोर अजमाइश इस पर है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो जीत सुनिश्चित कर सके। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों का आना भी इंदिरा भवन में जारी है और लोग कहीं न कहीं अपने लिए जीत का दावा भी कर रहे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जो जिनकी जीत सुनिश्चित होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता इस समय बैठक ले रहे हैं और प्रवक्ताओं के साथ पूरी जोर अजमाइश दी जा रही है कि होने वाले उपचुनाव में जीत उन्हीं की हो। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। अच्छी फसल के लिए भूमि परीक्षण अति आवश्यक है। वहीं रौन जनपद की ग्राम पंचायत गौरई में बनाई गई प्रयोगशाला बनकर तो तैयार हो गई, लेकिन मिट्टी परीक्षण का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ। किसानों की फसल में कौन सी खाद कितनी देनी है ये तब पता लगता है जब उसका मिट्टी परीक्षण किया जाए। रौन जनपद के गौरई गांव में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनकर तो तैयार हो गई और उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन उद्घाटन होने के बाद उसका ताला एक भी बार नहीं खुला, जिससे किसानों के मिट्टी परीक्षण नहीं हो पा रहे। जो जानकार किसान है वह मिट्टी परीक्षण के लिए या तो लाहर जाते हैं या फिर जिला मुख्यालय भिंड पहुंचते हैं। ग्रामीण लोगों का आरोप है कि कृषि विभाग लगातार लापरवाही करता है, जिससे ग्रामीण अंचल के किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण यदि अब नहीं किया जाता है तो जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर से करेंगे। इसलिए खर्च किए जाते हैं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन शासन की इन योजनाओं को उनके विभाग के ही लोग पलीता लगा रहे हैं। अब देखना ही होगा खबर दिखाने के बाद प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रारंभ होता है या नहीं। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रोहन भिंड। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को अब कोरोना वॉलंटियर के रूप में काम करना होगा। ग्वालियर में कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ते एवं प्रशासन की तमाम बंदिशों के बावजूद लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के बाद अब ग्वालियर जिला प्रशासन ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों लोगों को 3 दिन के लिए कोरोना वॉलंटियर के रूप में काम करना होगा, जहां उनकी क्षमता के अनुरूप ड्यूटी जिला प्रशासन की चेक पोस्ट, क्वारंटीन सेंटर, अस्पताल और दूसरे संस्थानों में लगाई जा सकेगी। इसके पीछे प्रशासन का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोग देखें कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के कर्मचारी और अफसर किस तरह दिन भर ऑफिस से लेकर अपने कार्य क्षेत्र के स्थान तक काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को कोरोना को लेकर अपनाए जाने वाले मानकों का प्रयोग करा रहे हैं। दरअसल में शनिवार को 65 और रविवार को 55 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि शहर अब कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चला है, जिसको रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, उसमें से एक ये भी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। अपनी पार्टी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय का फूटा गुस्सा, कहा विपक्ष में ओजस्वी नेतृत्व की है जरूरत।
दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय एक बार फिर बगावती अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्य संगठन की अगुवाई करने वाले नेतृत्व पर सवाल उठाया। साय ने कहा कि विपक्ष में ओजस्वी नेतृत्व की जरूरत है, विरोधी में तेजस्वी होना चाहिए। आज की स्थिति देखकर लगता है कि राज्य में पार्टी बहुत नीचे चली गई। बता दें कि नंद कुमार साय का ऐसा बयान यह पहली बार नहीं है। सत्ता जाने के बाद प्रदेश के नेतृत्व को वह कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। मूर्तिकारों पर छाया संकट, दूसरे राज्यों से आने वाली मूर्तियों पर रोक लगाने की मांग। कोरोना संकट के बीच हर कोई परेशान है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर मूर्तिकार और चित्रकार हो। किसी न किसी तरह नुकसान सभी का हो रहा है। मूर्तियों का सीजन आते ही मूर्तिकारों पर भी संकट गहराने लगा है, क्योंकि मूर्तियों का ऑर्डर मिलना बंद हो चुका है। यही वजह है कि मूर्तिकारों ने सरकार से गणेश चतुर्थी के लिए जल्द गाइडलाइन जारी करने की गुहार लगाते हुए दूसरे राज्यों से आने वाली मूर्तियों पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को ज्ञापन सौंपा है। मूर्तिकार चंद्रशेखर गोई ने बताया कि प्रदेश भर में मूर्तियों से ही मूर्तिकारों और चित्रकारों का रोजगार चलता है, लेकिन आज भूखे मरने की स्थिति हो गई है। लोगों से हमने कर्ज लिया था, वो कर्जदार परेशान कर रहा है। मूर्तिकारों का कहना था कि उन्होंने कर्ज लेकर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन अब वो उसे बेचने कहां जाएं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद की लापरवाही, कॉलोनी वासी हो रहे परेशान, नहीं दे रही नगर पालिका भी ध्यान। शहर के कॉलोनी त्रिमूर्ति नगर के पार्षद पति की लापरवाही से कॉलोनी वासी परेशान है। नालों की सफाई नहीं होने, पानी की निकासी की समस्या का पार्षद नगर पालिका में शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं हो रहा है। कल रात हुई बारिश में पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई, साथ ही नालों की गंदगी सड़कों पर फैल गई। या तो पार्षद चाहते नहीं कि कॉलोनी की इस गंभीर समस्या का कोई हल हो, या फिर बारिश के मौसम में बीमारी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद स्थानीय पार्षद अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या पहले की तरह ही लापरवाही करते नजर आएंगे। हार्दिक एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल तिवारी। किसान एवं व्यापारियों को मिली नई सब्जी मंडी, बड़वा में कृषि मंडी में हुआ शुभारंभ। पालिका में लगने वाली मुख्य सब्जी मंडी पर्याप्त जगह न होने के कारण विगत माह कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद व्यापारी किसानों द्वारा लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद सोमवार को फिर से इस मुद्दे पर एसडीएम और सेकेंडरी सहित सब्जी व्यापारी और किसानों के बीच मंथन हुआ, जिसके बाद सोमवार मंडी का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि इस मामले में किसानों का कहना है कि माल खरीदी के दौरान जो एजेंट किसान के कमीशन काट रहे थे, वो कमीशन सब्जी व्यापारियों का काटे जाए, जबकि कृषि मंडी में लगने वाला शुल्क जमा करने को लेकर सब्जी व्यापारियों का साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं मंडी सेक्रेटरी और शासन के नियम अनुसार शुल्क जमा कराने की बात कही। विवादों के बीच सब्जी मंडी का शुभारंभ तो होगा, आप देखने वाली बात ये रहेगी कि अधिकारियों को इस मामले में कितनी सफलता मिलती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन बड़वा। बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर जरहगांव थाना के ठीक पहले बरसात का पानी सड़क पर लबालब भर जा रहा है, जिसके चलते राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर जरहगांव में पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं होने व पुलिया छोटे होने के कारण हल्की बारिश होते ही सड़क पर लबालब पानी भर जा रहा है, जिसके चलते पैदल से लेकर वाहन सवार राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि रोजाना यहां दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है, जिसके बावजूद क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आमजनों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जबकि जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर क्षेत्र के सांसद और विधायक किसी मार्ग से आए दिन आना जाना करते रहते हैं। क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि रोजाना इसी रोड से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन चमचमाती एसी कार में बैठे इन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को नीचे झांकने की फुर्सत कहाँ है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। कोरोना सुरक्षा किट के निष्पादन के अभाव में फैल रहा कोरोना लापरवाही बनी बड़ी कारण। दरअसल चौक चौराहों सड़कों पर पड़े M19 मास्क, सर्जिकल मास्क, PPT किट से सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना रक्षक यूज मास्क कोरोना फैला रहा है। मास्क लगाने की होड़ है, लेकिन सुरक्षा किट निष्पादन प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी मीरा बघेल का कहना है कि हॉस्पिटल में निष्पादन हो रहा है, लेकिन नॉन मेडिकल व्यक्ति आम जनता इस्तेमाल कर फेंक दे रहे हैं। खामियाजा सफाई कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। जो सफाई कर्मी संक्रमित हो रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं यही लोग जिम्मेदार हैं। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम गंदगी में रहने को मजबूर हो जाएंगे, ऐसे स्थिति लोगों के लिए भारी पड़ेगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यराज।
रतलाम कलेक्टोरेट स्थित पटवारी कार्यालय पर आज लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारकर एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रतलाम कलेक्टोरेट स्थित शहर पटवारी कार्यालय पर आज लोकायुक्त पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक पटवारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा सोहेल खान नामक व्यक्ति से 20,000 रुपए की रिश्वत इस बात के लिए मांगी गई थी कि उसकी नई पावती बनानी थी। सोहेल खान ने बताया कि उसके दादाजी की जमीन का बंटवारा 6 भाइयों में हुआ था और जमीन का बंटवारा होने के बाद उनके 6 भाइयों को अलग अलग पावती बनानी थी, जिसके लिए पटवारी के द्वारा सभी भाइयों से 20,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। सोहेल के द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत दे दी गई थी। उसके पश्चात आज जब उसके द्वारा 10,000 की रिश्वत और दी गई, तभी लोकायुक्त के द्वारा कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इस पटवारी के द्वारा पहले भी कई लोगों से रिश्वत की मांग की जा रही थी। आज इसकी गिरफ्तारी करने के बाद लोकायुक्त पुलिस के द्वारा इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली के बिल भले ही आधे कर दिए, लेकिन आम उपभोक्ताओं तक इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार ने बिजली के बिल में राहत देने की बात कही गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने तो जारी आदेश कर दिए थे, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं भोपाल के बैरागढ़ में बिजली विभाग में लंबी कतारें लग रही हैं और बिजली के बिल कम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग द्वारा बिजली के बिल कम नहीं किए जा रहे, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। उपभोक्ताओं के बिल 18 से 20,000 रुपये के बिल आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी प्रदेश सरकार उनकी बिजली के बिल में क्या राहत देती है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने कहा था कि बिजली के बिल जिन व्यक्तियों के बढ़े हुए आए हैं वे कम हो जाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार से अभी तक कोई भी राहत नहीं मिल पा रही। बिजली विभाग लगातार लोगों को बढ़े हुए बिल दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन कब जागता है और आम आदमी के बिजली के बिल कम होते हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। 6 जुलाई तक जिले में 34 केस एक्टिव। जिला स्वास्थ्य अधिकारी लगातार इस पर निगरानी करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जिले में बाहर से आए व्यक्तियों पर नजर रखते हुए उनको कोरोना टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सावधानी बरतने की बात की गई। लगातार जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिससे प्रशासन साफ निर्देश दे रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से निकलें और सावधानियां बरतें। नरसिंहपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सलीम तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही, खबरें लगातार जारी।